सभापति महोदय, स्टेटमेंट जो है भारत सरकार का वो नित्यानंद जी ही बताएंगे, मगर मैं कुछ चीजों की स्पष्टता करने के लिए आपकी अनुमति से ही सदन के सामने खड़ा हुआ। सबसे पहले इस घटना में जितने भी लोग हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, वो सभी के परिवारजनों के साथ मैं मेरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और बड़े दुख के साथ आज मैं उनके प्रति अपार संवेदना के साथ इस सदन में खड़ा हुआ हूं। जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार की ओर से जवाब श्री नित्यानंद राय ही देने वाले हैं। जब यहां पर एक घंटे की चर्चा आपने अनुमोदित की, तब मुझे था कि आज का दिन शायद राजनीति से परे रहेगा, इस पर राजनीतिक टीका टिप्पणियां नहीं होगी। खैर, उद्देश्य से या जानकारी के अभाव से कुछ टिप्पणियां भी हुई और कुछ सदन को पूरा देश देखता है, इसलिए देश के सामने कोई गलत फहमी न जाए हो जाए, इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए खड़ा हुआ। दोषारोपण हुआ या जानकारी के अभाव में मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे स्पष्टता करनी है माननीय महोदय आपके माध्यम से, सदन से और सदन के माध्यम से पूरे देश को। अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द है अपने भाषण में डालकर इसको बताया गया। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई 23 जुलाई को, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट, जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। और इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर जीरो कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। मैं ओडिशा राज्य सरकार के लिए भी, उस वक्त हमारी नहीं थी, नवीन बाबू की थी, हमने 7 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति मारा गया, वो भी गलती से मारा गया। गुजरात सरकार को हमने साइक्लोन का अलर्ट 3 दिन पहले भेजा, एक पशु भी नहीं मरा सर। मगर मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप जो घिसे पिटे शब्द यहां लेकर आए हैं और डिमांड ही करते जा रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम है। भारत सरकार ने 14 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है और इसको साझा किया जाता है मान्यवर। 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है और वो सूचना साइट पर सबके लिए भी उपलब्ध है, मान्य सांसदों के लिए भी उपलब्ध है, मगर कुछ लोगों को है कि यहाँ की साइटें खोलते ही नहीं है, विदेश की ही खोलते हैं। तो अब विदेश में तो इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम आएगी नहीं, हमारी साइट देखनी पड़ेगी मान्यवर। वर्षा, एक मिनट, आप सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिए जरा। नो डोंट ब्रदर, प्लीज, इस तरह से नहीं चलेगा, सदन है। फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डिटेल्स आर बीइंग इंपोर्टेड प्लीज मान्यवर। मैं तो उस उद्देश्य से ही कहता हूँ, इसको सुनकर सभी राज्य अलर्ट हो, अर्ली में अलर्ट हो जाए। मेरा किसी को ताना लगाने का आशय नहीं है। वर्षा के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हीट वेव के लिए है, तूफान के लिए है, चक्रवात के लिए है, यहाँ तक बिजली के लिए भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो 10 मिनट पहले बिजली अक्षांश रेखांक के साथ कहाँ गिरेगी वो सीधा कलेक्टर को इन्फॉर्म करती, मगर इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। मैं तो मानता हूं जानकारी का अभाव होगा,
जानकारी का अभाव है तो भी ठीक नहीं है, और राजनीति है मान्यवर तो बहुत दुखद है। मान्यवर, कई सारे राज्यों ने इसका उपयोग भी किया है और परिणाम भी आए, और इस अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, 23 तारीख को ही मेरे ही अनुमोदन से 9 एनडीआरएफ की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थी कि वहां लैंडस्लाइड आ सकता है। भारत सरकार ने 9 एनडीआरएफ की टीमें विमान से वहां भेजी। मैं पूछ सकता हूं मान्यवर, इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग, केरल सरकार ने क्या किया? अनधिकृत लोग रह रहे थे, नहीं रह रहे थे, मगर वल्नरेबल सिचुएशन तो थी, इनको शिफ्ट किया गया क्या? क्यों नहीं किया गया? कौन रोकता था? और शिफ्ट किया तो मरे कैसे? शिफ्ट पहले नहीं किया गया है, बाद में किया गया भी। जितना बोलोगे उतना नुकसान होगा। मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु जब आप आरोपात्मक तरीके से बात करते, मैं शांति से यहां बैठकर सुनने ही आया। मान्यवर, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2016 से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ और 23 तक दुनिया की सबसे आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम कहीं पर है तो भारत में। और इसका 7 दिन पहले इसका अनुमान देने वाले 4 ही देश है, उसमें से एक भारत है। मगर उसको पढ़ना पड़ता है, डिमांड करने से कुछ नहीं होता। मान्यवर, जो उन्होंने कहा कि भाई डिजास्टर के पैसे रिलीज करने का राज्य के साथ पास अधिकार नहीं है, वो गलत है मान्यवर। मैं इसकी भी स्पष्टता करना चाहता हूं, क्योंकि सदन का रिकॉर्ड साफ रहना चाहिए। एसडीआरएफ में 10% राशि कोई भी राज्य अपने हिसाब से, अपनी गाइडलाइन से इश्यू कर सकता है, और 100% राशि भारत सरकार की जो गाइडलाइन इश्यू हुई है, गाइडलाइन इश्यू के किसी भी परमिशन की भारत सरकार की जरूरत नहीं है, गाइडलाइन को सिर्फ फॉलो करना है। मगर जो ये डिजास्टर के पैसे हैं, और कोई हेड के अंदर तो खर्च नहीं हो सकते, हमें इतना तो चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, तो फिर भी 10% खर्च तो डिजास्टर के नाम से कुछ भी आप करें कोई नहीं पूछता। 90% खर्च आप गाइडलाइन के हिसाब से डिजास्टर के लिए भारत सरकार की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। और बंगाल का भी कहा मान्यवर, डिटेल स्टेटमेंट नित्यानंद जी पढ़ेंगे, मतलब मैं स्ट्रक्चर स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, सिर्फ स्पष्टता कर रहा हूं। मान्यवर, बंगाल का भी कहा, हमने 6244 करोड़ रुपया 14 से 24 तक बंगाल के अप्रूव किए हैं, और जिस प्रकार से इनके खर्च का हिसाब आता है, इस हिसाब से रिलीज होते हैं, उसमें से 4619 करोड़ रुपया हमने रीएम्बर्स कर दिया है। मगर वहां थोड़ा प्रॉब्लम है हिसाब भेजने में, अब वो तो मैं अच्छे से नहीं कर सकता साहब, बंगाल ने ही करना पड़ेगा, अकाउंट देना पड़ता है, तो सरकार है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना। सरकार के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम होती है, एजी का ऑडिट होता है, हम किसी को नहीं मानेंगे तो थोड़ी तकलीफ आएगी, मगर धीरे धीरे आदत पड़ रही है, इम्प्रूवमेंट आया है, इसीलिए 6244 में से 4619 करोड़ रुपया इनका रिलीज हो चुका है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं मान्यवर, अर्ली वार्निंग सिस्टम दी गई थी, इसीलिए 23 तारीख को हमने एनडीआरएफ की 9 बटालियन वहां पर, एक सेकंड, 9 बटालियन वहां पर हमने भेज दी थी, और 3 कल रवाना करी है। एनडीआरएफ की बटालियन उतरने से भी अलर्ट अगर हो जाते तो काफी कुछ बच जाता, मगर मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं। ये समय है केरल की सरकार के साथ खड़ा रहने का, केरल की जनता के साथ खड़ा रहने का, और जो लोगों की हानि हुई है उनके साथ खड़ा रहने का। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी सरकार, केरल की जनता और केरल की सरकार
दोनों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी, किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं। இதுபோன்று முக்கிய நிகழ்வுகள் அரசியல் தகவல்களை ஆழமாகவும் மாறுபட்ட கோணத்திலும் அறிந்து கொள்ள மறக்காமல் உங்கள் ஐஎன்டி தமிழ் 24/7 பக்கத்தை பின்பற்றிக் கொள்ளவும். உங்கள் ஒவ்வொரு ஆதரவும் இதுபோன்று பல நிகழ்வுகளின் பின்னணியை அறிய உதவும்.